पूछा कि ये एक्सपीरियंस कैसे रही है. बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रही मेरे साथ, जस्ट बिकॉज कि द फोटोग्राफर हु इज़ मानस जी, उन्होंने बहुत ही क्रिएटिवली इस चीज़ को सोचा. क्योंकि हम सभी जानते हैं आज के डेट में वेमेन एम्पावरमेंट, और सभी लोग जो आज के टॉपिक के लिए बात करते हैं दैट्स कॉल्ड वेमेन. और जब हम जानते हैं कि एक औरत जन्म लेती है उसके कई सारे किरदार होते हैं, वो बेटी होती है, किसी की बहन होती है, बीवी होती है, माँ होती है. और हम जैसे देखते हैं कि हम बोलते हैं कि वेमेन आज के डेट में टॉर्चर्ड होता है, या इस मतलब देखा जाए तो काम के जगह पे या अपने घर पे या किसी की ऐसी नज़र से भी वेमेन टॉर्चर्ड होता है. तो मैं वही बताना चाहूँगी, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट सोचा और उसको ऐसे खूबसूरती से उसके सारे किरदार निभाए, जैसे कि इसका नाम भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत से रखा है सी, शेड्स ऑफ ए वेमेन. तो वेमेन के जितने शेड्स होते हैं, खुशी से लेके गम तक का, रेप होने तक का, बच्चा पैदा करने का, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर उसमें दिखाया गया है. तो आई थिंक आप सबको ये बहुत ही अच्छा लगेगा और लोगों को समझ में आएगी कि वेमेन का एक दर्द जो होता है, एक औरत की दर्द जो होती है, लोग समझ पाएंगे. राजेश जी, बहुत मेहनत तो लगी है ऑफकोर्स, लेकिन लग रहा है बहुत अच्छा भी हुआ प्रोड्यूस कर रहे हैं आप. आई मीन वाज इट इजी फॉर यू व्हेन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट केम? 24 FPS हर साल एक कैलेंडर लॉन्च करती है, और ये इस बार हमने 2019 की कैलेंडर लॉन्च की. तो हमारा ऑलवेज होता है कि एक थीम बेस्ड कैलेंडर करें, जिसको एक किसी के टेबल पे रहने के लायक हो और कुछ उसमें मैसेज जाए. तो शायद ये मैसेज इसमें है. पूरा एंटायर टीम ने हमारा काम किया है, तो साल का शुरुआत से हम एक अच्छा चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं. वेल, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ. मैं इनको जानता हूँ पिछले एक साल से, और हमने एक फिल्म की है साथ में, अंतर्ध्वनि. तो 24 FPS एंटरटेनमेंट LLP जो उनका बैनर है, जो भी करता है बड़ा क्रिएटिव करता है, और ये देखते ना कि पैसा आना कहाँ से है. सो दे मेड ए मूवी अंतर्ध्वनि, और एक फेस्टिवल फिल्म है जो इन्होंने बनाई है 5-5.5 करोड़ रुपये में, जो कि खर्चा हो चुका है. तो इतनी अच्छी एक मूवी जिसमें एक अच्छी हम एक फिल्म बना सकते हैं बॉलीवुड की, इन्होंने एक फेस्टिवल फिल्म बनाई है एक थीम के साथ में, जिसके डायरेक्टर हैं अपूर्व किशोर बीर, जो 9 times नेशनल अवार्ड विनर है. तो डेफिनेटली ये फिल्म भी मैं इसको देख रहा हूँ कि आगे नेशनल अवार्ड मिलेगा. कमिंग टू द पॉइंट, इन्होंने एक अलग थीम चूज़ किया. इन्होंने इससे पहले 6-7 मूवीज़ बनाई हैं, शायद आप जानते हैं कि नहीं, जो सभी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही है कि वुमेन पे क्या हो रहा है. तो आपके क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये पैसा नहीं देखते हैं, ये देख रहे हैं कि मैं समाज को एक नई सेहत कैसे दूँ. एंड कमिंग टू दिस पॉइंट, क्या ये कैलेंडर हमने शूट किया है जैन के मंथ में, और थाईलैंड में शूट हुआ है. ये मानस ओझा जी इसके फोटोग्राफर हैं, और ये हमेशा एक डिफरेंट थीम लेके आते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट लेके आते हैं. इसमें 12 अलग अलग कंसेप्ट हैं, जो कि हर एक एक जो मंथ है उसके ऊपर एक थीम है जो डिफरेंट है, और वो कंसेप्ट उस थीम से मैच होता है जो लिखा हुआ है उस पर. तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, और मैं इनकी इस इनिशिएटिव की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, और इनको थैंक भी करता हूँ कि ये समाज को इतनी सेध दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. ये ना बड़ा क्रिएटिव चीज़ है, मैंने इनको देखा हुआ है. ये ना हर एक चीज़ पे बड़ी डिटेलिंग में काम करते हैं. कोई कॉन्सेप्ट होता है चूज़ करते हैं कि पीछे की बैकग्राउंड क्या रहेगी, फिर आर्टिस्ट के कपड़े डिज़ाइन करना, फिर बजट को भी देखना. चलो बजट को कम देखते हैं ये लोग, लेकिन इस एक आप जिसे कहते हैं बजट ब्रैकेट में इतना अच्छा काम करना, हर एक चीज़. हाँ, आप बात करो आर्टिस्ट की, डेफिनेटली स्वप्ना इसमें हमने फेस बनाया इनको. स्वप्ना जी की एक फाउंडेशन भी है, स्वप्ना पति फाउंडेशन, जिसमें ये इस तरह के बहुत सारे काम कर रही हैं. इनकी एक इनकी हर बार होली आती है, राइट, हर साल. तो इस तरह के बहुत सारे काम करते हो, मैं इसमें इनको भी देख पा रहा था जो इनका कॉन्सेप्ट था. मुझे लगा मैम यू आर द बेस्ट फॉर दिस एंड इवेंट. थैंक यू सो मच. सर, कमिंग टू यू, सुन चुके हैं सभी ने, तारीफ तो बहुत कर चुके हैं कि किस तरह से आपने शूट किया एंड एवरीथिंग. ये जो शेड्स हैं, आई मीन हाउ डिड दिस आइडिया केम टू यू? अपने बहुत सारे शेड्स होते हैं, लाइट शेड होता है, डार्क शेड होता है. हम फिल्मों में भी देखते हैं कि जो एक कैरेक्टर होता है किसी भी एक एक्टर का, एक्ट्रेस का, वो भी बहुत तरीके शेड्स प्ले करता है. कमिंग टू दिस थिंग, सो हाउ डिड दिस आइडिया जम? एक्चुअली जो शेड्स होता है ना, वो व्हाइट से लेकर डार्क तक आता है, ब्लैक तक जाता है. तो इसके बीच में जो ग्रे स्केल होता है, वो कोई मतलब एक ऐसा है वो ग्रे स्केल, जो कि बहुत सारी चीज़ों का ब्लेंडिंग होता है. सी, यहाँ पर आप 12 इमेजेस देखेंगे, और जो 12 इमेजेस है वो एक
डिफाइन किसको करता है, वो डिफाइन करता है वो एक औरत को इन एस्पेक्ट ऑफ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड. द एक्चुअल थिंग जो हो रहा है आज की दुनिया में वो उसका भी एक रिफ्लेक्शन से जो होना चाहिए, जो औरत जिस इंस्टिंक्ट के साथ पैदा हुई है वो एक्चुअल में क्या है. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है द मदर, उसका मीनिंग है जब एक बच्चा पैदा होता है उसी दिन एक माँ भी पैदा होती है. तो एक माँ का जो है किरदार वो एक पॉइंट पे क्रिएट होता है और एक जगह पे एम्पेरर है. एम्पेरर मतलब एक औरत जो होता है वो योद्धा होती है, बचपन से लेके मरते दम तक वो सैक्रिफाइस ही करती है, फिर भी वो हार नहीं मानती क्योंकि उसका लाइफ का जो प्रोसेस होता है उसको लेके ही वो प्रोसेस होता है. हर जगह पे वो उसका सैक्रिफाइस भी उसका होता है बचपन से लेके शादी तक, शादी के बाद मरते दम तक. इसीलिए हम उसको एम्पेरर का एक सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किए हैं. ये कैलेंडर का एक खासियत ये है कि ये एडिटोरियल बेस है, इसका एक एक इमेज कुछ कुछ स्टोरी बयान करता है जिसमें हम कंपोजिशंस भी किए और फोटोग्राफी भी किए. और कंपोजिशंस जो हुआ है जो चीज़ों का एलिमेंट्स का, उसका एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और सिम्बॉलिक मीनिंग है. जैसे कि एक मिरर वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप देखोगे मिरर का रिफ्लेक्शंस कुछ और है और कैरेक्टर जो पकड़ के बैठी है और एक बंद कमरे के अंदर पकड़ के बैठी है, उसका मीनिंग बहुत सारा है. वो एलाबोरेट में मैं करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बेसिकली ये जो है शेड्स ऑफ सी, चाहे हम एक्सेप्ट करें या इग्नोर करें वो है हकीकत, हमें उसको समझना चाहिए. और मेरा ये मानना है हमारा 24fps का एक बेसिक मकसद ये होता है कि ये जो आर्ट एंड कल्चर का जो लाइन होता है जैसे फिल्म मेकिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ये कहीं ना कहीं एक मीडिया होता है, एक कम्युनिकेशन करने के लिए कोई चीज़ को समझाने के लिए एक मीडिया होता है, मीडियम होता है. तो हम इस मीडिया का ना एक प्रॉपर वे में उसको हम इस्तेमाल करते हैं कि कुछ मैसेज जाए समाज के प्रति. हम भले ही आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका जो बेसिक मकसद है जो फिल्म मेकिंग के थ्रू या फोटोग्राफी के थ्रू क्या मैसेज हम रिवील कर रहे हैं, तो इसमें ये इस साल का एडिटोरियल कैलेंडर है. और इसका 12 इमेज जो है इसमें 2-3 इमेजेस बॉलीवुड को भी रिलेट करता है. जैसे कि एक सेडिज्म करके एक इमेज है, दो मॉडल खड़ी है और उसमें बहुत सारे सिंबॉलिक हमने कंपोजिशन किए हैं, इमोशंस के साथ भी कंपोजिशन किए और उसका बॉडी लैंग्वेज के साथ भी हमने उसका मीनिंग रखा हुआ है. बॉलीवुड में आज की डेट में, बॉलीवुड क्या है इंडिया के अंदर आज की डेट में भी एक ऐसा टैबू है दिमाग के अंदर कि जो गोरा होता है वही सुंदर होता है. सुंदरता का परिभाषा सिर्फ रंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये गलत है. और क्योंकि ये ट्रेडिशन है तो कहीं ना कहीं आज के डेट में जो थोड़ा डल है, जिनका शेड्स थोड़ा डार्क है, चाहे वो कितने भी कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, अंदर ही अंदर वो टूट जाते हैं, अंदर ही अंदर उनको स्कोप नहीं दिया जाता, मिलता नहीं उनको. तो ये एक टैबू है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर भी वो नारी का ही एक मतलब परिभाषा है. एक कहीं ना कहीं हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर होते हैं. शादी के लिए अगर लड़की देखना है तो गोरा होना चाहिए कंपलसरी, बट आप यूरोपियन कंट्री में जाओ वहाँ पर ये डार्क शेड और थोड़ा लो शेड वाला जो भी होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल माना जाता है. व्हाई? क्योंकि ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुलनेस जो है वो कलर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता. हम लोगों का सारे सभी का ब्लड का कलर तो एक ही है ना. तो ये है एक हमने एक एडिटोरियल बेस में इसको हमने शूट किया है, एक कैलेंडर के रूप में हमें उसको पब्लिश किया है, लेकिन उसके अंदर की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली चीज़ है. तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने ट्राई किया पोर्ट्रेट करने के लिए और जो हुआ है वो आपके सामने ही है. बहुत अच्छा किया आपने. आपका कौन सा फेवरेट इसमें से कैरेक्टर या जब मैंने खुद ही काम किया है सारे 12 थीम में तो मेरे सारे 12 के 12 ही बहुत ही खूबसूरत हैं. बट उसमें मैं बोलना चाहूँगी जो मानस जी ने कहा कि डिफाइन किए हैं, एक औरत जब बच्चा पैदा करती है और उसके बाद वो माँ कहलाती है, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब वो प्रेग्नेंट होती है वो अपने मन ही मन में वो अपने आप को उस कैरेक्टर में वो पोर्ट्रे करना और सोचना वो शुरू कर देती है. और उसके बाद वो उसको निभाती है, बच्चा हाथ में आया तो वो उसका जो लालन पालन करना चाहिए वो करती है. और एक इसमें है कि अब्यूजिव जो दिखाया गया है कि एक वर्क प्लेस में एक लड़की खड़ी है, हम जो जाते हैं कि लोगों को जिस नज़रिए से देखते हैं, हम सभी बोलते हैं ये मेरी
बहन है, ये मेरी दोस्त है या जो भी है, बट उनके बिहाइंड द माइंड लोगों के बहुत सारी चीज़ें चलती है कि ये लड़की के मतलब फिगर कैसी है, ये लड़की कैसी होगी, ये होगी। लोग जो सोचते हैं ना, जो रेप करने से पहले उनकी आंखों में जो चीज़ें दिखाई देती है उसी से ही लड़की ऑलरेडी रेप हो जाती है। हाँ, हमारा प्रोडक्शन हाउस का मेरा ये है कि हम कोई भी चीज़ करें ये एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें हम लेके आए जो हमारा वो मूवी हो या कैलेंडर हो या शॉर्ट फिल्म्स हो, उसको देख के समाज में कोई चीज़ें बदले, तो हमारा ये प्रोडक्शन हाउस का कुछ लगे कि हम कुछ कर रहे हैं समाज में। सिर्फ बिजनेस करना हमारा मकसद नहीं है, बिजनेस का थ्रू हम कुछ ऐसा चीज़ बनाएं जिसको समाज में कोई बदलाव आए। फाइनली दिनेश जी से एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत सारी फिल्में आप कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, लीड एक्ट्रेस हैं यहाँ पर और जो एक्टर 24 FPS की टीम है, एनी प्लान्स फ्यूचर में हम देख पाएंगे किसी तरह? यस फिंगर्स क्रॉस्ड, यस वी आर कमिंग अप, वी आर टीमिंग अप और अच्छा करेंगे। जैसे सर ने बोला, कुछ मीनिंगफुल होगा बट कमर्शियल भी होगा, इस बार कमर्शियल होगा एंड अनाउंसमेंट विल बी डन वेरी सून और आई होप हम सब आपको दोबारा देखेंगे अनाउंसमेंट पे। थैंक यू सो मच, वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Well, hi, good evening, everybody. It's a pleasant evening because back-to-back हमारे 24 FPS के calendars launch हो रहे हैं and I would really like to congratulate Rajesh ji and 24 FPS and but of course Sapna कि she's doing very really great and it's a bliss to see such a good piece of work always. तो इतनी मेहनत करती हैं उसके बाद इतना अच्छे results आते हैं। रियली लुक फॉरवर्ड कि हर साल की तरह इस साल भी एक नया कैलेंडर आया है, हर साल आता रहे, सालों साल आता रहे एंड आई विश वेरी गुड लक टू 24 FPS एंड सब। थैंक यू। हाय मधुकुमा, एक्चुअली मैंने सारे पोस्टर्स देखे हैं, जैसा कि सपना ने बताया है कि बहुत डिफरेंट लड़की के रूप होते हैं, औरत का, माँ का और बच्ची से लेके सारी चीज़ें, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया मानस जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थैंक यू। सपना को हमसे बात करी चुकी है, आपकी सवाल जो है वो थोड़ा इस सवाल के बाद आएगा। मैम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू हर, लाइक कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना वो सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है। एंड इनकी एक मूवी भी आ रही है अंतर्ध्वनि, वो नाम से ही आपको लग रहा होगा कितनी क्रिएटिव होगी, ठीक है। तो इसमें एक कॉट है, स्माइल, लाइफ इज़ लाइक अ मिरर, वी गेट बेस्ट रिजल्ट व्हेन वी स्माइल, ठीक है। तो कोई भी इंसान है, चाहे वो लेडी है जब फिर कोई जेंट्स है, तो वो जब भी स्माइल दिल से करता है तो वो अपना अच्छा रिजल्ट दे पाता है। तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट टू हर एंड बेस्ट ऑफ लक। सर, बीइंग अ डायरेक्टर आपने क्या कुछ शेड्स देखे हैं? ये सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जितनी तारीफ कर दिया उसके बाद कुछ बचता नहीं, लेकिन थैंक्स टू 24 FPS और राजेश जी, इसमें जो सपना जी का आर्ट बाहर आया है इस कैलेंडर के थ्रू, इट्स वेरी नाइस, क्योंकि ये ब्लेंड है आर्ट और एंटरटेनमेंट का बोथ का। इसमें एक ग्लैमरस प्रोजेक्ट भी है, उसके साथ एक मीनिंगफुल भी हर जो फोटोग्राफ्स है उसमें एक दिखता है। इट्स अ नाइस एफर्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, राजेश जी, 24 FPS, इवन सपना जी। जब ये कैलेंडर शो
शूट होने के लिए प्लानिंग चल रही थी, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। तो मानस ने मुझे कहा कि इस बार एक हम हर साल कोई ना कोई कॉन्सेप्ट शूट करते हैं, तो मुझे उन्होंने कहा कि इस साल डिफरेंट डिफरेंट शेड्स रहेंगे और कुछ डिफरेंट ही होगा। तो जब मैं ये शूट हम लोगों ने 3 बार में कंप्लीट की है, तो जब मैं पहली बार गई थी तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। उन्होंने जो दिखाया है ना बॉलीवुड में, जो गोरा और काले का जो डार्क शेड और वाइट शेड का जो कॉम्बिनेशन दिखाया, तो उन्होंने मुझे पहले खड़ा करके ऐसे बोला कि ये खड़ी रहो, उसके बैक में वो वाला शॉट लिया, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मैंने कहा ये है क्या, तो उन्होंने कहा जब आएगा कंप्लीट होके तो तब तुम समझोगे। मैंने कहा नहीं, मैं काम ऐसे नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे पहले समझाइए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम ये करो और मेरा ये कॉन्सेप्ट है, बिहाइंड द माइंड आपको चलाते रहोगे। तो उनके साथ मुझे एक दिन पूरा टाइम लगा समझने के लिए कि है क्या। वहाँ पे एक और आप देखेंगे पूरा फ्लावर के अंदर, शी इज़ लॉस्ट इन लस्ट, तो वो बहुत ही डिफरेंट है कि वुमेन के लिए खो जाना अपने लस्ट के अंदर, अपने प्यार जो जिसको बोलते हैं ना वुमेन का, वो चीज़ उन्होंने वो ढूंढा कि एक लड़की के अंदर क्या क्या फीलिंग्स आती है, और उन्होंने 12 शेड्स में ये सारी चीज़ें दिखाई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत रही मेरे आज तक मैंने जितने कैलेंडर, मेरा सबसे पहला कैलेंडर था जब स्वच्छ भारत के ऊपर सारे देश में नारा दिए जा रहे थे, सबसे पहले मैंने वो किया था। उसके बाद काफ़ी ग्लैमर और काफ़ी कुछ थीमेटिक करने के बाद, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशनसीबी है, क्योंकि वेमेन जो हम सब दुनिया में सब बोलते हैं कि नारी के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हमने उसको एक कैलेंडर के माध्यम में पूरा 12 शेड्स दिखाए हुए हैं। आपने तो नारी के बारे में बात की, तो लेडीज जो है यहाँ पे उनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे, वो किस तरह से इत्तेफाक करती है ना, व्हेन यू स्पीक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड इश्यूज एंड गुड एज वेल एज बेटर अबाउट। एक्चुअली आजकल भी जो बहुत गांव है, विलेज एरिया है, वहाँ पे भी बोलते हैं कि स्कूल मत जाओ, ये मत करो, फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उनको दिया हुआ है कि आप फ्री में स्कूल खोलना, या फिर जैसे कि स्वप्ना का ऑलरेडी ये है, तो इवन हार्बर होली करती है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा हार्बर होली में ये जो नेचुरल कलर होते हैं उनको, ताकि आँखों में कोई प्रॉब्लम ना हो, हल्दी का येलो कलर, गुलाब का रेड कलर, तो वो सब चीज़ें आपको स्किन में लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी भी लोग मोस्टली लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दबाने की भी कोशिश करते हैं, बट आज की जनरेशन में लोग कई जहाँ बड़े शहर हैं वहाँ पे भी उठाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इनको भी आगे पढ़ना चाहिए। शादी के बाद कई लोग बोलते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फैमिली कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सपोर्ट करती ही है कि नहीं, आगे लड़कियों को भी बढ़ना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें सपना के कैलेंडर में भी दिख रही है कि बैकअप क्या चल रहा है और फ्रंट भी क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें दिखती है। या जो मैम ने बोला बिल्कुल सही बोला है, और आई अप्रिशिएट कि अगर हम किसी मूवी के थ्रू या फिर ऐसे कैलेंडर्स के थ्रू कुछ लाइक हम अपनी कंट्री के लिए कर सकते हैं तो बेटर है। थैंक यू।